हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आई यूट्यूब चैनल 1 to 1 क्लासेस। मैं हूं आपके मेंटर वंशिका दुआ बजाज और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम ML अग्रवाल। एज फाइनल एग्जाम्स आर कमिंग, बोर्ड एग्जाम्स की डेटशीट आ चुकी है, तो अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए प्रैक्टिस कीजिए बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन की, जो कि आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए डिस्कस करते हैं हम ML अग्रवाल के चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जैसा कि सभी को पता है, इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स में थ्योरेटिकल पार्ट काफ़ी सारा है, जिसमें हमारे पास कुछ टॉपिक्स रहेंगे डिफाइन पॉपुलेशन एंड सैम्पल। आपको पॉपुलेशन और सैम्पल पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन क्या टर्म है, सैम्पल क्या टर्म है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैम्पल, इनका डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। टू टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमारे पास कौन कौन से सैम्पलिंग हो जाएंगे, सिंपल रैंडम, सिस्टमैटिक, स्ट्रेटिफाइड एंड क्लस्टर सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमारे पास टाइप्स आएंगे कन्वीनियंस सैम्पलिंग, वॉलेंट्री सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग। ये सभी टाइप्स की सैम्पलिंग कौन कौन सी रहेंगी। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा डिफरेंशिएट बिटवीन अ रिप्रेजेंटेटिव एंड नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल, की ऐसा सैम्पल जो रिप्रेजेंटेटिव हो या फिर नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल हो। अनबायस्ड एंड बायस सैम्पलिंग, पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स में डिफरेंशिएट, इन दोनों का भी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो जितने भी डिफरेंस हैं, ये सभी डिफरेंस आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। एंड सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ये थ्योरम भी आप इजीली अच्छे से रीड कर लीजिए। टू टाइप्स के हमारे पास टेस्ट रहेंगे इस चैप्टर में। टू टाइप्स के टेस्ट कौन कौन से हैं, वन सैम्पल टी टेस्ट एंड टू सैम्पल टी टेस्ट। हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे हम इसमें H0, H1। तो ये जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट आपके सामने टॉपिक्स मेंशन है, जो कि आपके सिलेबस में आने वाले हैं, इस थ्योरेटिकल पार्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ML अग्रवाल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन गिवन है, तो सभी पार्ट्स को अच्छे से स्टडी करिए एंड अंडरस्टैंड करिए, तभी उसके बाद न्यूमेरिकल पोर्शन पे आइएगा। इस चैप्टर में से जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पार्ट रहने वाला है, वो रहेगा एक्सरसाइज 10.4 में से, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इस चैप्टर की। तो उस एक्सरसाइज में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से रहेंगे, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 10.4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6, 7, 8 एंड 9 क्वेश्चन जो रहेंगे, इनको हम हाईलाइट कर देंगे, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के, एंड एग्जाम्पल नंबर 5, 6, 7 एंड 9। दैट्स इट, न्यूमेरिकल पार्ट आप इसमें से इसी पार्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि एक्सरसाइज 10.4 में से ही आपको इस एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है।